हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया वॉक। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू गुड। एंड आज मैं आपको राजस्थान के भरतपुर में लेकर आ गया हूँ फिर से। और आज इस वीडियो में आप केवलाव देव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य देखोगे। यहाँ पर गाड़ी पार्क करती है तो यहाँ पर पार्किंग का 25 रुपये है। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर से टिकट लेते हैं, जो 126 रुपये की टिकट है। और फिर आपको पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं ये बर्ड सेंचुरी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना जरूर। ये गेट केवलादेव नेशनल पार्क का मेन गेट है। अब अंदर चलते हैं और यहाँ से टिकट लेते हैं। तो भाई, हमने केवलादेव नेशनल पार्क में जाने के लिए 126 रुपये की टिकट ली है। और इसके अंदर ये 11 किलोमीटर का क्षेत्र है, आप पैदल जा सकते हो। अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल ले जा सकते हो, लेकिन बाइक गाड़ी नहीं ले जा सकते। और पैदल घूम सकते हो, या तो या आप ये रिक्शे देख रहे हो, ये रिक्शे में जा सकते हो जो 300 रुपये का लेंगे यहाँ पर। और अगर आप साइकिल पर जाना चाहते हो तो साइकिल पर भी जा सकते हो, जो साइकिल की प्राइस है मात्र 150 रुपये। लेकिन रिक्शा में जाओगे तो आपको गाइड मिल जाएगा, और साइकिल पर अकेले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो साइकिल में भी जाने का मज़ा है। तो यहाँ से आपको साइकिल चूज करनी पड़ेगी, कोई भी एक साइकिल चूज करके आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ से पहले साइकिल चूज करता हूँ, फिर निकलते हैं। तो भाई, मैं ये साइकिल ले रहा हूँ, ये नई लग रही है मेरे को, नई साइकिल है तो सब सही है। इसका ब्रेक भी एकदम बिल्कुल अच्छे हैं, तो ये ले रहा हूँ मैं। तो भाई, साइकिल लेकर निकल पड़ा केवलादेव नेशनल पार्क को देखने के लिए। तो ये साइकिल है मेरी, तो आज तो भाई साइकिल का आनंद ले रहा हूँ मैं। बाइक है लेकिन फिर भी साइकिल का आनंद, कभी कभी साइकिल का आनंद भी लेना चाहिए। अब यार साइकिल पर हूँ तो एक हाथ से साइकिल चलानी पड़ेगी और एक हाथ से मोबाइल होल्ड करना पड़ेगा वीडियो शूट के लिए। और आप साइकिल 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक जमा वापस करवा सकते हो, और आईडी देनी पड़ेगी 150 रुपये बस। तो अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं मिला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों के मौसम में यहाँ पर हजारों पक्षी आते हैं, और 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और दोस्तों, ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है। दोस्तों, इस उद्यान के अंदर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है। 366 पक्षियों की प्रजातियाँ और 389 फूलों की प्रजातियाँ, 50 मछलियों की प्रजातियां, 13 सांपों की, 5 छिपकलियों की, 7 उभयचर प्रजातियां और 7 कछुआ की प्रजातियों के घर हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रजातियां यहां पर, बहुत सारी प्रजातियां। इस घने जंगल में फंस गया मैं, क्या करूं अब। ये आम का पेड़ है लेकिन हमको अभी तक कोई भी पक्षी नहीं मिला। चिड़िया तो है यहाँ पर, सर्दी के टाइम में यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पक्षी मिलेंगे, लेकिन अभी बरसात का मौसम है तो अभी मिल जाएंगे, ठीक ठाक मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सर्दी में मिलते हैं, क्योंकि दूसरे देशों से यहाँ पर कुछ दिनों के लिए शरण करने आते हैं पक्षी। दोस्तों, पक्षी की आवाज़ आ रही है, कुछ है यहाँ पर, आई डोंट नो क्या होगा, कहाँ फंस गया मैं। इस साइड में क्या है, अभी इसके अंदर आए हैं तो पूरा रिसर्च करके ही जाएंगे।
यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है और राष्ट्रीय पक्षी भी उड़ गया, वो अभी शिवलिंग है। यहाँ पर चिड़िया तो है, पास में एक कुआं बना हुआ है, गहरा नहीं है ज्यादा, लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर कैंटीन भी मिल जाएगी। इस तरफ यहाँ पर कैंटीन है और ठंडा पानी है पीने के लिए। यहाँ पर ओ भाई साहब, यहाँ पर क्या है इस पानी के अंदर? उछल रहे हैं यार, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या सांप हो सकता है? मछली है, इतने गंदे पानी के अंदर मछली। मेरे सामने आप देख सकते हो रिक्शा आ रहा है। अगर मैं भी रिक्शा में आता, 300 रुपये देता तो इस प्रकार के रिक्शे में आता, लेकिन यार साइकिल में अलग ही मज़ा आ रहा है। अगर आप भी सिंगल आते हो तो साइकिल में ही आना। बुगला मिला एक, वो उड़ गया। बुगला मिला था एक, वो भी उड़ गया। मोर मिल गया दोस्तों, ये रहा। पहली बार खजूर के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है। हवा बिल्कुल भी बंद है, बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो ये देख सकते हो ये पेड़ है, इसके ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिसलन है यार, नहीं चढ़ा जाएगा। कुछ जानवर मिले हैं लेकिन उनके पास जाए कैसे? यहाँ पे पानी है, ये नदी मानो, नदी को पार करके जाना पड़ेगा। हम भी 7 समंदर पार करते हैं और इनके पीछे पीछे चलते हैं। किधर से जाऊँ यार, पूरी तरफ पानी ही पानी है। उन जानवरों के पास नहीं जा सकता, पानी बहुत ज़्यादा है। पानी को कैसे पार करूँगा मैं? यहाँ पर सोलर प्लांट लगा हुआ है, लाइटें भी हैं शायद। यहाँ रुकेंगे कुछ देर, एक ट्यूबवेल है। ठंडा बहुत ज्यादा पानी है, परमानेंट आता रहता है इसके अंदर, पानी बंद नहीं करते।
लास्ट पॉइंट पे एक मंदिर आता है केवला देव का प्राचीन मंदिर। तो हम केवला देव के लास्ट पॉइंट यानी मंदिर के पास में खड़े हैं, तो अब मंदिर में चलते हैं। शिवलिंग है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई सिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और अब चलते हैं बाहर।